मंत्रीवर, यदि पंडित रामकृष्ण कल हमसे एक बार भी क्षमा मांग लेंगे ना, तो हम उन्हें क्षमा कर देंगे। हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा महाराज, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने स्वयं किया है। मंत्रीवर, कोई भी अवसर मिल जाए ना, हम उन्हें क्षमा कर देंगे। और आपका कथन भी उचित था, स्वयं को बचाने के लिए पंडित रामकृष्ण ने भी कुछ न कुछ तो सोच के रखा होगा। सत्य वचन महाराज, सोचा तो होगा उन्होंने, परंतु यदि नहीं सोचा होगा तो गुरुजी की जान फूलदान में अटकी है। काश निकल जाए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। द्रुवर, द्रुवर, क्या महाराज? क्या महाराज? उठाओ। गुरुवर जी, गुरुवर आप हमारी ओर पीठ करके खड़े, संभवतः आप राज दरबार की मर्यादा को भूल रहे हैं। महाराज आप हमें क्षमा करें, अब मर्यादा बनाए रखने हेतु हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। इस समय हमारा शत प्रतिशत ध्यान जो है वो आपके पूर्वजों की धरोहर पर है, अर्थात इन फूलदानों पर है। महामंत्री जी, महाराज आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज मछलीपट्टनम के हमारे जो मछलीपट्टनम वाले नहीं, महामंत्री जी आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज वो मछलीपट्टनम के जो व्यापारी, महामंत्री जी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किया जाए आज का। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य महाराज? जिसके विषय में कल हमने चर्चा की, उन्हें मुक्त करने की, क्षमा करने की। किसकी क्षमा की बात कर रहे हैं महाराज? किसी को नहीं। आपने अभी कहा महाराज, हमने स्वयं अपने कानों से सुना। गुरुवर आप इन फूलदानों पर दृष्टि रखिए, उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। हम समझ गए महाराज। दूर हटो। कौन है? कौन है वाह? कौन है? नाम गुरु भाई। पंडित रामकृष्ण। हाँ। पंडित रामकृष्ण को अभी तक मृत्यु दंड नहीं दिया गया। महाराज ये क्या हो रहा है? महाराज आपके आदेश का उल्लंघन हुआ है। शांत हो जाइए गुरुवर। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। कोतवाल महोदय। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण ने आपका दंड अपने सिर पर ले लिया। हम जानना चाहते हैं यदि आप इनके स्थान पर होते तो क्या करते? अरे महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, और एक पत्नी, तनिक उसके बारे में तो सोचिए महाराज। कोतवाल रुदन बंद कीजिए, प्रश्न पूछा है, सरल सा है, उत्तर दीजिए उसका। महाराज मैं तो ऐसा नहीं कर पाता महाराज। देखिए महाराज, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंडित रामकृष्ण जी का आदर नहीं करता महाराज, मैं पंडित रामकृष्ण जी का हृदय से सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता महाराज। ना पंडित रामकृष्ण जी। महाराज क्या है कि हर व्यक्ति एक समान नहीं होता ना।
क्या आप जानते हैं पंडित रामकृष्ण कि आपको हमने यहाँ क्यों बुलाया? जी महाराज। याद है आप? जी महाराज, आपने मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। अंतिम इच्छा? सत्य कहा आपने पंडित रामकृष्ण, हमने आपको यहाँ पर आपकी अंतिम इच्छा की पूर्ति हेतु ही बुलाया। और हमें ज्ञात है आपकी अंतिम इच्छा क्या है। आप चाहते हैं कि आपको मृत्यु दंड से मुक्ति मिल जाए, तो उचित है हम आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण करते हैं, आपको मुक्ति देते हैं, क्षमा करते हैं। महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण ने क्षमा नहीं मांगी है महाराज। जय महाराज, हमारे विचार से हमें पंडित रामा के मुख से सुन लेना चाहिए कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है। उचित, पंडित रामकृष्ण कहिए, आप अपने मुख से कहिए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। महाराज, मैं आपकी कृपा से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। वैसे तो मेरी कोई अंतिम इच्छा थी नहीं, किंतु अब आप जब इतना कह ही रहे हैं तो मैं जाते जाते एक आवश्यक कार्य करना चाहता हूँ। अवश्य, अंतिम इच्छा आपकी कीजिए। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं जाने से पहले इन दोनों फूलदानों को अपने हाथों में लेकर देखना चाहता हूँ। हाथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हटी हटी, दूर हटी, वहां जाइए, वहां खड़े होकर बड़ी भांति देख लीजिए। अनुमति है? नहीं महाराज। मणि, प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण मृत्यु से पूर्व हमारे गुरुजी का गला घोटना चाहते हैं। अरे घोटते तो ज्यादा अच्छा है, बहुत दिन से इंतजार चल रहा है। अनुमति है। आई, आई। आराम से, 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 पंडित रामकृष्ण, ये आपने क्या कर दिया? तोड़ दिया महाराज, तोड़ दिया। हे भगवान पंडित रामकृष्ण, ये क्या घोर नरक कर दिया आपने, क्या घोर नरक कर दिया आपने। इन फूलदानों को संभालते संभालते हमारी दुर्दशा हुई, आपने तोड़ दिया। महाराज के पूर्वजों की धरोहर को तोड़ दिया, मुझे लगा कि सम्मान को तोड़ दिया। महाराज, हमारे विचार में पंडित रामकृष्ण को एक बार नहीं, तीन बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अरे गुरुवर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए गुरुवर, शांत 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 शांत, ठीक है? हाँ, क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ गुरुवर, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक था। आपने देखा ना, इन फूल दानों के कारण वश कोतवाल जी फंसे, फिर मैं फंसा, और आप तो पूर्व से ही फंसे हुए हैं, है कि नहीं? हाँ। अरे राजगुरु से पहरेदार बन गए आप। वो तो है। नहीं नहीं गुरुवर, ये फूलदान ऐसी समस्या बन गए जिन्होंने आपका जीवन दुभर कर दिया। कोतवाल महाशय, जिनका दायित्व नगर की रक्षा का होता है, उन्हें इन तुच्छ फूलदानों की रक्षा का दायित्व दे दिया गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षमा करें, दोनों महारानियों की दशा भी विकट ही रही होगी, ये सोचकर कि इन फूलदानों को कुछ हो ना जाए। इन फूलदानों को तोड़कर मैंने आपके जीवन की रक्षा ही की है। जरा सोचिए, यदि किसी और की त्रुटि से इन फूलदानों को कुछ हो गया होता तो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पंडित रामकृष्ण। नहीं ना, ना ना ना, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुवर, मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, अब मैं एक फूलदान तोड़ूं या तीन, मेरा अब इससे अधिक बुरा और क्या हो सकता है। हाँ, बाकी के शेष दोनों फूलदान तोड़कर मैंने कदापि दो जीवन की रक्षा ही की है। ये तो है। महाराज, मुझे जो उचित लगा मैंने वो किया, यदि आपको ये अनुचित लगा हो तो आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। अनुचित तो हुआ है पंडित रामकृष्ण, अनुचित यह हुआ है कि इन फूलदानों के कारण एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल गया। हम विवश हो गए अपने ही विशेष सलाहकार को मृत्यु दंड देने हेतु। दो दिवसों से इन दो फूलदानों के कारण हमारी दोनों महारानियां अत्यंत व्याकुल हो गई।
तनाव पूर्वक हो गया इनका जीवन। और तो और हमारे गुरुवर, हमारे पूज्य गुरुवर इनकी सेवा में दिवस रात लगे हुए हैं, संभवतः रात्रि को सोए भी नहीं। भोजन भी नहीं किया महाराज। जी गुरुवर, हमने कहा आपके विषय में। एक राजा का पराक्रम स्वयं उसके हाथों में होता है, किसी फूलदान में नहीं। हमने अपने राज्य का विस्तार अपने बाहुबल, अपने शौर्य, अपनी बुद्धि से किया है। अनगिनत सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि दी है। हम अपना, अपने सैनिकों का श्रेय किसी किसी फूलदानों के साथ कैसे साझा कर सकते हैं? सभी कुछ एक पुरुष के पुरुषार्थ से निर्मित और नष्ट होता है। जी महाराज। चमत्कारी फूलदान जैसा हमें नहीं लगता है कि कुछ भी होता है। अतः पंडित रामकृष्ण, आपने इन दोनों फूलदानों को तोड़ के उचित किया है। प्रसन्न है हम आपसे, और इसी कारण हम आपको आपके मृत्युदंड से मुक्त करते हैं। महामंत्री जी। महाराज, पंडित रामकृष्ण को मुक्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्ण, आज आपने इन दो फूलदानों को नहीं तोड़ा है, अपितु इन फूलदानों के साथ साथ हमारे और हम सभी के भ्रम को तोड़ा। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। उचित किया आपने पंडित रामकृष्ण। हाँ पंडित रामकृष्ण, हम भी सहमत हैं। वैसे एक बात कहे पंडित रामकृष्ण, हमें ज्ञात था कि आप कोई ना कोई युक्ति लगा के इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे। तो महाराज, यदि मैं कोई युक्ति नहीं लगा पाता तो आपका मृत्यु दंड निश्चित था पंडित रामकृष्ण। हैं? हाँ क्यों महाराज। क्या हुआ रामा, क्या सोच रहा है, रुक क्यों गया? बंधु, अब तक तो ये सूचना घर तक पहुंच गई होगी कि मुझे मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा। सब कितने प्रसन्न होंगे ना। हाँ, तेरे लिए आरती की थाल सजा के रखी होगी। आरती का थाल? पुष्पों की वर्षा होगी मुझ पर, पुष्पों की वर्षा। और अम्मा ने तो अपने लड्डू भी बाहर निकाल कर रखे होंगे मुझे खिलाने के लिए, है ना? की थाल तो नहीं है यहाँ, तो ये भिगोए हुए दाल, गीले वस्त्र, जूठे बर्तन और सब्जियां रखी हैं। ये सब यहाँ क्यों रखे हैं? ये सब आप ही को करना है, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतना समय कहाँ लगा दिया आपने? दाल पीसनी है, सब्जी काटनी है, वस्त्र सुखाने हैं। चलिए कार्य पे लग जाइए। वाह, सब कार्य मैं ही करूँ? अभी अभी कारावास से छूट कर आया हूँ ना, महाराज की समस्याएं मैं सुलझाऊं, गुरुवर के षड्यंत्रों से स्वयं की रक्षा भी मैं करूं, घर के लिए धन भी मैं कमाऊं, और तो और घर आकर सब्जी काटूं और दाल पीसूं। रामा, वस्त्र, तू वस्त्र भूल गया, वस्त्र भी तो सुखाना है ना, वो भी गिन ले। हाँ सही बोला, वस्त्र भी मैं सुखाऊं, और शादा कुछ ना करे क्योंकि वो गर्भवती है। वाह वाह अम्मा, ये अन्याय है। अच्छा ठीक है मैं करूंगा, मैं जो 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 तुम बोलोगी मैं वो करूंगा, मैं सब करूंगा, किंतु पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। संसार में इतनी सारी स्त्रियां गर्भवती होती हैं और शिशुओं को जन्म देती है, शारदा में ऐसा क्या विशेष है जो तुम इसका इतना पक्ष लेती हो? ये अनुचित है। तू सत्य कह रहा है पुत्र, मैं अज्ञानी महिला, तू तो ज्ञानी पंडित है। मैं तो समझ ही नहीं पाई, तू मेरा पुत्र है, मुझे तेरा पक्ष लेना चाहिए। हाँ। और मैं
किसका पक्ष ले रही हो? कौन है ये? अपना घर परिवार त्याग कर तेरा संसार बसाने आई है तो क्या उपकार कर रही है? अपने प्राण को संकट में डालकर तेरे वंश को आगे बढ़ा रही है तो क्या उपकार कर रही है? तू सत्य कह रहा है मेरे ज्ञानी पुत्र, शारदा कुछ विशेष नहीं कर रही है, परंतु क्या कर, मैं भी एक स्त्री हूं, मैंने तुझे जन्म दिया है। मैं जानती हूं गर्भवती होना, एक शिशु को जन्म देना क्या होता है। तू सत्य कह रहा है, इसमें विशेष क्या है? शिशु को जन्म देने का कष्ट मृत्यु समान होता है, परंतु इसमें विशेष क्या है? मृत्यु तो सत्य है, शाश्वत है, किसी को भी आ सकती है, ये शारदा को भी आ गई तो इसमें विशेष क्या है? परंतु तू सत्य कह रहा है, ये अनुचित है, अन्याय है। अरे, केवल संतान उत्पत्ति जैसे कार्य के लिए किसी स्त्री को विशेष सुविधा देना, सम्मान देना, उसका समर्थन करना, ये समस्त पुरुषों के लिए अन्याय है पुत्र। अम्मा, सोच, शारदा अपने अंदर एक जीव को संभाल रही है, तू तो अपनी मर्जी से खाएगा पिएगा, परंतु तुझे ज्ञात है शारदा की ये परीक्षा 9 मास तक चलेगी। उसे कितना कष्ट होगा, वो अपनी मर्जी से ना कुछ खा पाएगी ना कोई कार्य कर पाएगी, पर इसमें क्या विशेष है? क्षमा कर दो अम्मा, क्रोध में इतना सब बोल दिया। शारदा, तुम पूजनीय हो। हाँ, हमें ज्ञात है, हमें अम्मा ने बताया हम पूजनीय। हाँ तो बोलो, जो भी कार्य करना है सब निसंकोच होकर बोलो, मैं सब कर दूंगा। अच्छा, एक क्षण रुकिए। क्यों, कोई सूची बनाई है क्या? हाँ अम्मा, हाँ वो भी कर दूंगा। हाँ। उठा लो। क्या? पंजीरी उठा लो, इसे खाने से शक्ति आती है। तुम इसे खाओ, तुम्हें शक्ति की अधिक आवश्यकता है। नहीं, पहले आ। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले आ। नहीं, पहले तुम। पहले आ। पहले तुम। पहले आ। मुंह दे दे दो। हाँ, इसे दे देते हैं। हाँ, ये ले। रुक, मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ पहले। हाँ, स्वादिष्ट है। हाँ, मंजीरी खाली। हाँ, शक्ति आ गई होगी। हाँ अम्मा, आ गई। चल अब वस्त्र सुखा दे। हाँ, झाड़ू कर दे। हाँ, फिर पोछा लगा दे। हाँ, फिर पात्र धो देना। रसम के साथ चावल खाना ही स्वादिष्ट लगता है। इसके साथ मिष्ठान भी बना लेना और शारदा के लिए कैरी की चटनी बनाना। अम्मा, इमली। वृक्ष से इमली तोड़ कर ले आना, दाल पीस लेना, धूप बत्ती करके पूजा कर लेना। स्मरण रहे, समय निकाल कर दरबार भी चले जाना, जल्दी लौट कर आना, रात्रि का भोजन भी तो बनाना है। इतना सा काम करके फिर आराम से
हो जाना। पता नहीं ये मेरी आने वाली संतान मुझसे क्या क्या करवाएगी।